नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आंचल तिवारी। आप देख रहे हैं एचएम न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में दल बदल का खेल एक बार फिर शुरू हो चुका है। राष्ट्रीय जनता दल राजद को दोहरा झटका लगा है। राजद के 5 विधान पार्षद पार्टी छोड़कर जनता दल यूनाइटेड जेडीयू में शामिल हो गए हैं। वहीं राजद के उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब ऐसे में विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी के सामने बड़ा संकट उभर गया है। राजद छोड़ने वाले पार्षदों में MLC संजय प्रसाद, कमरे आलम, राधा चरण सिंह, रणविजय सिंह और दिलीप राय के नाम शामिल है। सभी पार्षदों ने विधान परिषद के कार्यकारी सभापति को इस संबंध में चिट्ठी भी सौंप दी है। बता दें कि नेताओं के पार्टी छोड़ने के कयास लंबे समय से लगाए जा रहे थे, क्योंकि ये सभी तेजस्वी यादव और पार्टी को लेकर खुलेआम बयानबाजी करते रहे हैं। वहीं राजद के उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपने पद से भी इस्तीफा दे दिया है। रघुवंश प्रसाद फिलहाल कोरोना वायरस से संक्रमित है और पटना के एम्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि प्रसाद समेत पार्टी के बड़े नेता बाहुबली रामा सिंह को पार्टी में शामिल कराए जाने को लेकर नाराज है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि रघुवंश प्रसाद सिंह समेत पार्टी के कई बड़े नेता जल्द ही राजद छोड़ सकते हैं। बता दें कि जेडीयू और भाजपा की तरफ से लगातार यह दावा किया जा रहा है कि चुनाव के पहले ही राजद के कई विधायक पार्टी छोड़कर उनके तरफ आ सकते हैं। सत्तारूढ़ दल के नेताओं का दावा है कि राजद के ज्यादातर विधायक तेजस्वी के नेतृत्व को लेकर नाराज है और जल्द ही वे पार्टी छोड़ सकते हैं। तो देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर बिहार के राजनीति में आगे क्या नया मोड़ आता है और किस तरह से ये जो दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है वो किस मोड़ पर जाकर थमता है। तो ये थी हमारी आज की खास खबर। इसी तरह की खास खबरों के लिए बने रहिए एचएम न्यूज के साथ। अगर आपको हमारी न्यूज अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको देश और दुनिया की सारी खबर मिलती रहे।